अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। सबको नजर आ रही है स्लाइड्स? जी सर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे साल्मोनेला से। वैसे हम कवर कर रहे थे एंटेरोबैक्टेरेसिए। Enterobacteriaceae are a group of gram-negative bacteria which causes infection in the GI tract. उसमें हम E. coli already discuss कर चुके हैं। E. coli हमारे पास UTI cause कर सकता है, diarrhea cause कर सकता है, इसके अलावा pyogenic infection cause कर सकता है। Identification test वगैरह हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे Salmonella से। Salmonella भी हमारे पास एक gram-negative fraud है और ये भी हमारे पास GI tract में infection cause कर सकता है। It is a member of Enterobacteriaceae family. साल्मोनेला बेसिकली एक ग्रुप है और इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट स्पीशीज आती हैं। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला पैराटाइफी, एंटेरोटाइटिस है, क्लोरेसियस है। इसमें डिफरेंट स्पीशीज आती हैं, लेकिन इसमें जो पैथोजेनिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो है साल्मोनेला टाइफी, बिकॉज इट कॉजेज टाइफाइड फीवर। और जो उसकी लेस सीवियर फॉर्म है दैट इज कॉल्ड पैराटाइफाइड फीवर, इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला पैराटाइफी। तो टाइफाइड फीवर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस विच इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। इसकी जनरल फीचर्स की बात करें तो इट इज अ ग्राम नेगेटिव फ्रॉड। ये हम लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारे पास शिगेला और यर्सीनिया है वो नॉन मोटाइल है और नॉन H2S प्रोड्यूसर है, और जो प्रोटियस और साल्मोनेला है वो मोटाइल भी है और H2S प्रोड्यूसर भी है। तो जो साल्मोनेला है वो हमारे पास मोटाइल भी होगा, वो हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रोड्यूस करेगा, वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं, मतलब मैं कौन की है कहते हैं उनकी रेड कलर की कॉलोनीज होंगी। उसके अलावा एक सिलेक्टिव मीडिया पे हम साल्मोनेला को कल्चर कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं साल्मोनेला शिगेला एगेट। जब हम साल्मोनेला शिगेला एगेट पे साल्मोनेला को कल्चर करते हैं तो इसकी हमारे पास जो कॉलोनीज बनती हैं वो बनती हैं ब्लैक कलर की। ट्रांसमिशन की बात करें तो साल्मोनेला की ट्रांसमिशन कैसे होती है? बेटा साल्मोनेला की ट्रांसमिशन होती है कंटेमिनेटेड फूड से और कंटेमिनेटेड वाटर से। आप ट्रांसमिशन के लिए आप दो चीज़ें याद रखें कि इसकी ट्रांसमिशन एक तो हमारे पास हो सकती है एक्टिव सिम्टोमेटिक स्टेज में, और दूसरी ट्रांसमिशन हो सकती है कैरियर स्टेज में। एक्टिव सिम्टोमेटिक स्टेज का मतलब है जब पेशेंट को एक्टिव टाइफाइड फीवर होगा उसके दौरान पेशेंट बैक्टीरिया को फीसिस में एक्सक्रीट करेगा। उन फीसिस से हमारे पास फूड और वाटर की कंटेमिनेशन हो सकती है, और जब उस फूड की कंजप्शन होगी तो उससे साल्मोनेला की ट्रांसमिशन हो सकती है। तो एक तो इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है ड्यूरिंग एक्टिव सिम्टोमेटिक स्टेज, और दूसरी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है ड्यूरिंग द कैरियर स्टेज। अब ये सिर्फ साल्मोनेला टाइफी में होता है कि साल्मोनेला टाइफी ह्यूमंस में गॉल ब्लैडर को कॉलोनाइज करता है विदाउट कॉजिंग द डिजीज। साल्मोनेला टाइफी ह्यूमंस में गॉलब्लैडर को कॉलोनाइज करता है विदाउट कॉजिंग द डिजीज, इसे कहते हैं कैरियर स्टेट। इस कैरियर स्टेट में साल्मोनेला का बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली फीसिस में सीक्रेट होता रहता है फॉर मेनी ईयर्स टू कम, जिसकी वजह से हमारे पास अगर उन फीसिस से फूड या वाटर की कंटेमिनेशन हो तो वहाँ से इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो इसकी बेसिकली ट्रांसमिशन कैसे होगी? कॉन्टेमिनेटेड फूड से और कंटेमिनेटेड वाटर से। उसके अलावा ट्रांसमिशन हमारे पास ड्यूरिंग एक्टिव सिम्टोमेटिक स्टेज में भी हो सकती है, और उसके अलावा हमारे पास ड्यूरिंग कैरियर स्टेट में भी हो सकती है। साल्मोनेला टाइफी और दूसरी स्पीशीज का डिफरेंस ये है कि जो साल्मोनेला टाइफी है इसके रिजर्वायर सिर्फ ह्यूमंस हैं, ये सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है और ह्यूमंस में पर्टिकुलरली गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। और जो हमारे पास दूसरी सारी स्पीशीज हैं, फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला पैराटाइफी है, क्लोरेसियस है, एंटेरोटाइटिस है,
वो सभी स्पीशीज ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में पाई जाती हैं। तो स्लाइड से डिस्कस करते हैं कि फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। साल्मोनेला टाइफी व्हिच इज कॉजेस अ टाइफाइड फीवर इज ट्रांसमिटेड ओनली बाय ह्यूमंस। ये सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है, बट ऑल द अदर स्पीशीज हैव अ सिग्निफिकेंट एनिमल एज वेल एज ह्यूमन रिजर्वॉयर। ह्यूमन सोर्सेस आर अ पर्सन हु आर टेंपरेरली जो कि यहां तो टेंपरेरली सेक्रेट करेंगे ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर एन अटैक ऑफ एंटेरोकोलाइटिस, मतलब कि टाइफाइड के एक्टिव स्टेज में सेक्रेट करेंगे, और ड्यूरिंग अ क्रोनिक कैरियर स्टेज वेयर सेक्रेट ऑर्गेनिज्म फॉर इयर्स। द मोस्ट फ्रीक्वेंट एनिमल सोर्स इज पोल्ट्री और एग, मतलब जो एनिमल जो मोस्ट फ्रीक्वेंट सोर्स है वो हमारे पास चिकन से और उनके एग्स वगैरह हैं। मेरा सब कुछ समझ आ रही है, आवाज आ रही है आपको क्लियर? जो हमारे पास साल्मोनेला टाइफी है वो टाइफाइड फीवर कॉज करेगा, जो पैराटाइफी है वो पैराटाइफाइड फीवर कॉज करेगा। उसके अलावा ये हमारे पास सेल्फ लिमिटिंग गैस्ट्रो एंटेराइटिस कॉज कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं साल्मोनेला टाइफीयूरियम और साल्मोनेला एंटेरिटिस, ये हमारे पास इतने सीरियस नहीं है, ये कॉजेस सेल्फ लिमिटिंग गैस्ट्रो एंटेराइटिस, और इनके सबसे सीरियस इन्फेक्शन है वो साल्मोनेला टाइफी की है। उसके अलावा हमारे पास ये वोन इन्फेक्शन और उसके बाद सेप्टिस वगैरह कॉज कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमन कल्प्रेट स्पीशीज है वो है साल्मोनेला क्लोरेशियस। फिर आपको साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी और साल्मोनेला क्लोरेशियस का पता होना चाहिए। टाइफी मीडियम एंटीरिटिस ना भी पता हो तो इट्स ओके, क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ लिमिटिंग गैस्ट्रो एंटेराइटिस कॉज कर रही है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके सोर्सेज क्या है। इनके सोर्सेज या तो हमारे पास क्रोनिक कैरियर्स हो सकते हैं, या फिर वो ह्यूमंस इनमें एक्टिव सिम्टोमेटिक स्टेज है, फॉर एग्जाम्पल एंटेरोकोलाइटिस, या फिर हमारे पास पोल्ट्री या फिर डेयरी से इनकी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो इनके सोर्सेज क्या है? एक्टिव सिम्टोमेटिक ह्यूमंस हैं, क्रोनिक कैरियर केसेज हैं, और उसके अलावा पोल्ट्री है। और इनकी ट्रांसमिशन कैसे होनी है? इनकी ट्रांसमिशन होनी है हमारे पास कंटेमिनेटेड फूड से और वाटर से। The water or the food that has been contaminated with human or animal feces. अब बेटा इसके इन्फेक्शन के लिए हमारे पास हाई इन्फेक्शियस डोज रिक्वायर होती है। अब इसका मतलब क्या है कि हाई इन्फेक्शियस डोज रिक्वायर होती है? बेटा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड सेंसिटिव होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड रेजिस्टेंट होते हैं। आपको पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया एसिड सेंसिटिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला, साल्मोनेला हमारे पास एसिड सेंसिटिव है। जैसे ही ये बैक्टीरिया स्टमक में जाएगा वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा, तो इस बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया जब एसिड से एक्सपोज होगा तब इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो हाई इन्फेक्शन डोज का मतलब यह है कि अगर इस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज करनी है तो इट विल नीड अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया टू गो थ्रू गैस्ट्रिक एसिड। मतलब कि हमारे पास 10 बेस पर 5 से लेकर 10 बेस पर 8 इतने बैक्टीरिया होने चाहिए एक यूनिट में टू कॉज इन्फेक्शन इन साइड ऑफ ह्यूमन। इसका मतलब ये है हाई इन्फेक्शन डोज का, ये हमारे पास एसिड सेंसिटिव बैक्टीरिया है, एंड इन ऑर्डर टू कॉज इन्फेक्शन दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया पास टू द स्टमक। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास होता है 7 to 14 days। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि बट द टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट एक्सपोजर एंड द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट एक्सपोजर से लेके फर्स्ट सिम्टम तक जो टाइम गैप होता है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। रिलीज फैक्टर्स की बात करें तो ये बैक्टीरिया हाईली इन्वेसिव है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को इन्वेड कर सकता है। After invading a cell, it has the ability to survive and multiply inside the cell. Intracellular survival or multiplication है। उसके अलावा ये endotoxin produce करता है। Infection pattern देखते हैं साल्मोनेला का। साल्मोनेला के हमारे पास contaminated food या water में ingestion होगी, ठीक है, फिर वो stomach में से pass करेगा, stomach के बाद intestine में जाएगा। जब वो terminal ileum में पहुंचेगा वहां पे जाके वो cause करेगा enterocolitis। एंटीरोकोलाइटिस में हमारे पास एंटीरोकोलाइटिस बेटा बहुत ज़्यादा माइल्ड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर और सीरियस भी हो सकता है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि एंटीरोकोलाइटिस में पेशेंट को सिर्फ डायरिया होता है, और डायरिया भी हमारे पास नॉन ब्लडी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एंटीरोकोलाइटिस में ही बैक्टीरिया टर्मिनल एलियम की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को इन्वेड करता है, वहाँ पे अल्सरेशन और परफोरेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। लेकिन मोस्टली केसेस में एंटीरोकोलाइटिस रिलेटिवली माइल्ड कंडीशन होती है।
जब पेशेंट को एंटेरोकोलाइटिस हो जाता है तो फिर बैक्टीरिया इन्वेड करता है इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स को, और इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स से इन्वेड करता है ब्लड को, और फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोन, किडनी, लंग, लीवर, यहाँ तक स्प्रेड कर सकते हैं। और जब वो इस तरह पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है तब हम इसे कहते हैं कि सेप्सिस है, या फिर एंटेरिक फीवर है, टाइफाइड फीवर है। बड़ा सब कुछ समझ आइए। बेटा सबसे पहले एंटेरोकोलाइटिस होगा। एंटेरोकोलाइटिस हमारे पास बहुत ज्यादा सीरियस भी हो सकता है, बहुत ज्यादा माइल्ड भी हो सकता है। एंटेरोकोलाइटिस के बाद बैक्टीरिया हमारे पास इन्वेड करता है इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स को, और वहां पर मैक्रोफेजेस से फेगोसाइटोस करेंगे, लेकिन मैक्रोफेजेस इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगे। और जहाँ फिर इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स से बैक्टीरिया हमारे पास ब्लड में एंटर होकर फिर ब्लड में पूरी बॉडी तक स्प्रेड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, लंग, लीवर, हार्ट, हर जगह स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू ब्लड। तो इस पूरी क्लिनिकल पिक्चर को हम टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर कहते हैं। इस ये लाइक अगर आप 3 हफ्तों तक इसे ट्रीट ना करें तो इट कैन टर्न आउट टू बी फेटल। ये सारे जो इन्फेक्शन पैटर्न में ऑलमोस्ट 3 वीक्स लग जाते हैं। तो बेटा कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए कंटिन्यू करते हैं कि इनके साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे एंटेरिक फीवर में या टाइफाइड फीवर में, क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे। बेटा जैसे हमारे पास सबमेला क्या कॉज कर सकता है, सबमेला एक तो आपको पता है कि एंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर कॉज कर सकता है, और जो टाइफाइड फीवर की लेस सीवियर फॉर्म है वो है पैराटाइफाइड फीवर, और पैराटाइफाइड फीवर कॉज होता है पैराटाइफाइड बैक्टीरिया से। उसके अलावा ये सेप्सिस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अभी पिछले सेल में डिस्कस किया कि एंटी हमारे पास सेप्सिस हो सकता है। उसके अलावा ए सिम्टोमेटिक क्रोनिक कैजुअल स्टेज भी कॉज कर सकते हैं, जहाँ पर सर्वेला टाइफी गॉल ब्लैडर को कोलोनाइज करता है और फिर गॉल ब्लैडर उसके रिजर्वायर के सोर्स के तौर पर एक्ट करता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। बेटा सर्वेला टाइफी और पैराटाइफी में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर, और फिर जो पैराटाइफाइड फीवर है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी टाइफाइड फीवर की तरह ही होती है, लेकिन वो लेस सीवियर होती है। तो हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर कैसे प्रेजेंट करेगा। बेटा इसमें पेशेंट को इनिशियली हमारे पास लो ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, साथ में नौजिया, वॉमिटिंग, और साथ में हमारे पास डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मतलब इसमें डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि पेशेंट को स्टार्ट में डायरिया होता है और कुछ देर के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाती है कॉन्स्टिपेशन में, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ही रहती है। आफ्टर द फर्स्ट वीक क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरिमिया हो गया। बैक्टीरिमिया हमारे पास सस्टेन जब हो जाता है तब पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में सीवियर एब्डोमिनल पेन होती है और लार्ज पेन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, ड्यूरिंग द टाइफाइड फीवर पेशेंट को, आपकी क्लास है माइक्रो की जी जी एक मिनट। बड़ा जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास टाइफाइड फीवर है उसमें इनिशियल क्या साइंस और सिम्टम्स आएंगे। बेटा इनिशियली हमारे पास पेशेंट को फीवर होगा, साथ में नौजिया, वॉमिटिंग, इनिशियली लो ग्रेड फीवर होता है, साथ में नौजिया और वॉमिटिंग होती है, और साथ में हमारे पास डायरिया होता है। आफ्टर द फर्स्ट वीक हमारे पास डायरिया खत्म हो जाता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक हमारे पास बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, जिसे कहते हैं बैक्टीरिमिया, और फिर बैक्टीरिमिया की वजह से पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी और स्प्लेनोमेगली होगी। उसके अलावा बहुत रेयरली पेशेंट को रॉ स्पॉट्स भी डेवलप हो सकते हैं। रॉ स्पॉट्स होते हैं हमारे पास रॉस कलर्ड मैक्यूल्स डेवलप होते हैं एब्डोमेन के, और ये हमारे पास असोसिएटेड विद टाइफाइड फीवर, ये सिर्फ टाइफाइड फीवर में होते हैं लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं।
अगर आपको कभी पेशेंट में रोज स्पॉट्स नजर आए तो वो हमारे पास टाइफाइड फीवर का पैथोनिमोनिका है, लेकिन डोंट ऑलवेज लुक आउट फॉर देम बिकॉज दैट वेरी देयर। उसके अलावा जब पेशेंट को हमारे पास बैक्टीरिमिया डेवलप हो गया है तो बैक्टीरिमिया को टैकल करने के लिए पेशेंट की जो हमारे पास डब्ल्यू बी सीज है वो बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं, उसमें कुछ डब्ल्यू बी सीज की डेथ होती है, कुछ बैक्टीरिया की डेथ होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डब्ल्यू बी सीज कम हो सकते हैं, ल्यूकोपेनिया हो सकता है और अनिमिया हो सकता है, ल्यूकोपेनिया और अनिमिया भी हो सकता है। उसके अलावा एल एफ टीज भी हमारे पास डिजीज हो सकते हैं विच इंडिकेट हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट। तो हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि क्लिनिकल पिक्चर कैसी होगी। फर्स्ट डे पे या फिर फर्स्ट टू और थ्री डेज में पेशेंट को फीवर होगा, नौसिया, वॉमिटिंग और साथ में डायरिया होगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक डायरिया हमारे पास खत्म हो जाएगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा, पेशेंट को बैक्टीरिमिया हो जाएगा और उस बैक्टीरिमिया की वजह से पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी, स्प्लेनोमेगली होगी, उसके अलावा लीवर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और साथ में हमारे पास ल्यूकोपेनिया एनीमिया हो सकता है। और जो हमारे पास रो स्पॉट्स हैं वो बहुत देर हैं, लेकिन कुछ केसेस में पेशेंट्स में रो स्पॉट्स भी आ सकते हैं। जो हमारे पास 12 to 48 hours के बाद हमारे पास एंटीरियोकोलाइटिस होता है, बेटा एंटीरियोकोलाइटिस भी पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया होता है और साथ में एब्डोमिनल पेन होगी। और सेप्टिसीमिया हमारे पास इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज बाय साल्मोनेला क्लोरेसियस। बेटा जो साल्मोनेला क्लोरेसियस है ना, अब जो अभी तक हमने पढ़ा टाइफी और पैराटाइफी, वो पहले इंटेस्टाइन में जाते हैं, टर्मिनल इलिया में जाते हैं, टर्मिनल इलिया में जाके कॉज करते हैं एंटीरियोकोलाइटिस। जो हमने पढ़ा ना कि पेशेंट का नौजिया, वॉमिटिंग और डायरिया होगा, वो साइंस और सिम्टम्स हैं बेसिकली एंटीरियोकोलाइटिस के। पहले एंटीरियोकोलाइटिस होता है, उसके बाद बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम को इन्वेड करता है और फिर ब्लड स्ट्रीम को इन्वेड करने के बाद वो हाई ग्रेड फीवर, सीवियर एब्डोमिनल पेन, स्प्लेनोमेगली और डिजीज एलएफटीज कॉज करेगा। तो ये हमारे पास होता है टाइफी और पैराटाइफी में। अब साल्मोनेला क्लोरेसिस में क्या होगा? बेटा साल्मोनेला क्लोरेसिस में हमारे पास पेशेंट को इनिशियली फीवर तो होगा, लेकिन साथ में एंटीरियोकोलाइटिस नहीं होगा, मतलब पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन वगैरह नहीं होगी, ना ही डायरिया होगा। तो पेशेंट को इनिशियली फीवर होगा और उसके बाद पेशेंट जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा और कॉज करेगा बैक्टीरिमिया, और उस बैक्टीरिमिया की वजह से फिर वो बॉडी में किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और जिस ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा उस ऑर्गन के स्पेसिफिक साइन और सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर जाकर लिवर को इन्फेक्ट करता है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। इस तरह हमारे पेशेंट को ऑर्गन स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स आएंगे। Septicemia is most often caused by Salmonella chlorasis. The symptoms begin with fever but little or no enterocolitis. इसमें enterocolitis नहीं होगा and then proceed to focal symptom associated with affected organ, which is frequently bone, lung or meninges. हमारे पास bone, lung, meninges या liver को affect कर सकते हैं। meninges में meningitis cause करेगा, bone में हमारे पास osteomyelitis cause करेगा। बेटा जानते सबको क्लियर है कि साल्मोनेला के इन्फेक्शन पैटर्न क्या होता है, उसकी क्लिनिकल पिक्चर कैसी होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल में आना है। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। समझ आ रही है सबको? यस सर। क्या होती है क्लिनिकल पिक्चर साल्मोनेला टाइफी में? हाँ जी बोलिए, आगे बोलिए। पेशेंट को नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर और क्या होगा उसके बाद? कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, फीवर। डायरिया होगा, साथ में फीवर होगा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया सीन होता है कॉन्स्टिपेशन के साथ, साथ में पेशेंट को बैक्टीरिमिया होता है, बैक्टीरिमिया की वजह से पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, साथ में हमारे पास स्प्लेनोमेगली होगी, एल एफ टीज भी डिरेज हो सकते हैं, रो स्पॉट्स डेवलप हो सकते हैं, ल्यूकोपेनिया होगा, ल्यूकोपेनिया, एनीमिया। बेटा आप लोग ना ध्यान दें लक्ष्य पे। अब आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे टाइफाइड फीवर का? बेटा हम इसके स्पेसिमेन कहाँ से ले सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया हमारे पास फर्स्ट वीक में एक्सक्रीट हो रहा होता है फीसिस में, तो आप ऑब्वियसली स्टूल कल्चर कर सकते हो, स्टूल सैंपल ले सकते हो। सेकंड वीक में वो ब्लड में चले जाता है तो आप ब्लड सैंपल ले सकते हो।
थर्ड देखिए वो बोन मैरो सीएसएफ इन जगहों पे पहुंच सकते हैं, मतलब ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। तो आप स्पेसिमेन इन सभी जगहों से ले सकते हो, ब्लड से ले सकते हो, बोन मैरो से ले सकते हो, यूरिन स्टूल सीएसएफ मोस्टली हम यूरिन ब्लड और स्टूल सैंपल यूज करते हैं। फर्स्ट वीक में आप सिर्फ बैक्टीरिया को आप ब्लड कल्चर कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट वीक के एंड में पेशेंट को होता है बैक्टीरिया, तो आप फर्स्ट वीक में सिर्फ ब्लड कल्चर कर सकते हो। सेकेंड वीक में आप विडाल टेस्ट के थ्रू, विडाल टेस्ट हमारे पास एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है, इसके थ्रू आप डायग्नोज कर सकते हैं। विडाल टेस्ट पाकिस्तान में बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, लेकिन इतना स्पेसिफिक नहीं है, इतना सेंसिटिव नहीं है। थर्ड वीक में आप यूरिन कल्चर प्रेफर करते हो और फोर्थ वीक में आप स्टूल कल्चर प्रेफर करते हो, और स्टूल कल्चर के बाद बैक्टीरिया को आप आइसोलेट करने के बाद सिलेक्टिव मीडियम फॉर एग्जाम्पल सार्बोजेला सिगेला या यहाँ पे एनरिचमेंट मीडियम पे कि उसको ग्रोथ करवा सकते हैं। और कल्चर की बात करें तो हम उन्हें मेकोंकी एग्रेट कल्चर कर सकते हैं। मेकोंकी एग्रेट की नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज होंगी, और जिनका स्पेशल एग्रेट है वो है सार्बोजेला सिगेला एग्रेट, उसके जेट ब्लैक कलर की कॉलोनीज बनाएंगे। टीएसआई एग्रेट की बात करें, ट्रिपल शुगर आयरन एग्रेट की बात करें, तो उसमें हम देखेंगे फर्मेंटेशन। तो आपको पता है ये ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे, लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे। तो जब लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे तो ऊपर हमारे पास रेड कलर होगा, और जब ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे तो नीचे येलो कलर रहेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारे पास इसे यहाँ पे ब्लैक कलर है। तो ये हमारे पास है टाइफाइड फीवर। विडाल टेस्ट की बात करें तो विडाल टेस्ट बेसिकली बेटा हमारे पास बैक्टीरिया की डिफरेंट एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करता है इन द पेशेंट्स ब्लड। हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास एंटीडो बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई है, दूसरे बैक्टीरिया, उनमें तीन एंटीजन हो सकते हैं। ओ एंटीजन हो सकता है, ओ एंटीजन क्या था हमारे पास बेटा? ओ एंटीजन हमारे पास सेल वॉल का एंटीजन था, के एंटीजन हमारे पास कैप्सुलर एंटीजन था, एच एंटीजन हमारे पास था फ्लैजेलर एंटीजन। तो इसमें बैक्टीरिया के डिफरेंट एंटीजन आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ओ एंटीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एच एंटीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये दोनों हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं टाइसी के। उसके अलावा पैराटाइसी ए बी और सी के हम एच एंटीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली बेटा जो ओ एंटीजन होता है वो ग्रुप स्पेसिफिक है, मतलब हमारे पास साल्मोनेला का ओ एंटीजन सेम डिफरेंट है और इकोलाई का ओ एंटीजन डिफरेंट है। लेकिन जब साल्मोनेला में फर्दर जितनी भी स्पीशीज हैं, फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफी है, पैराटाइफी है, इन दोनों का ओ एंटीजन सेम होगा। तो ओ एंटीजन हमारे पास ग्रुप स्पेसिफिक होता है और एच एंटीजन हमारे पास स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, मतलब साल्मोनेला टाइफी का और पैराटाइफी का दोनों का एच एंटीजन डिफरेंट होगा और ओ एंटीजन दोनों का सेम होगा। सबको समझ आई इस पॉइंट की? सर दोबारा बताएं। बेटा मैं आपको बता रहा था कि साल्मोनेला में हमारे पास आप डिफरेंट एंटीजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो विडाल टेस्ट में। वो एंटीजेंस कौन कौन से हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओ एंटीजन होता है सेल वॉल का एंटीजन, के एंटीजन होता है कैप्सुलर एंटीजन, और एच एंटीजन होता है फ्लैजेलर एंटीजन। तो आप इन एंटीजेंस के थ्रू डिफरेंट बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे पास एंटीरियर बैक्टीरिया फैमिली में है, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई और साल्मोनेला। लेकिन जो हमारे पास ओ एंटीजन है वो ग्रुप स्पेसिफिक है। ग्रुप हमारे पास कौन सा है? साल्मोनेला। उसमें आगे फर्दर डिफरेंट स्पीशीज आती हैं, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी, क्लोरेसियस, एंटेरिटिडस। ये जो चार स्पीशीज हैं साल्मोनेला की, इन सबका ओ एंटीजन सेम होगा, ठीक है, लेकिन इन सबका एच एंटीजन डिफरेंट होगा। एच एंटीजन क्या है? फ्लैजेलर एंटीजन। तो आप ओ एंटीजन हमारे पास ग्रुप स्पेसिफिक है, एच एंटीजन हमारे पास स्पीशीज स्पेसिफिक है, और इन दोनों एंटीजेंस की थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि साल्मोनेला टाइफी की इन्फेक्शन है या पैराटाइफी की इन्फेक्शन है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? जी सर। चलिए यहाँ पर हमारा आज के लेक्चर खत्म हो गए, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर साल्मोनेला में कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, आज हम शुरू करेंगे शिगेला। बेटा शिगेला भी एंटीरोबैक्टीरियसी फैमिली का हिस्सा है। एंटीरोबैक्टीरियसी फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव डॉट्स व्हिच कॉजेस इन्फेक्शन इन द जीआई ट्रैक्ट। उसमें हम साल्मोनेला कवर कर चुके हैं, उसमें हम इकोलाई कवर कर चुके हैं, आज हम उसी में कवर करेंगे शिगेला। बेटा शिगेला के आगे फर्दर चार इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, वो हमारे पास शिगेला डायसेंट्री है, फ्लेक्सिनरी है, बॉडी है और सोनी है।
जो हमारे पास शिगेला है वो भी हमारे पास एक ग्राम नेगेटिव फ्रॉड है, ठीक है, ये नॉन वटाइल है, नॉन इनकैप्सुलेटेड है। आपको मैंने बताया था कि जो शिगेला है और यसीनिया है वो नॉन वटाइल है, नॉन इनकैप्सुलेटेड है, नॉन एस2एस प्रोड्यूसर है, वो एस2एस प्रोड्यूस नहीं करते। और मेकोंकी आइलैंड भी इनकी नॉन लैक्टो फर्मेंटिंग कॉलोनीज होंगी। हम सबको पता है कि शिगेला, यसीनिया, प्रोटियस और साल्मोनेला नॉन लैक्टो फर्मेंटर्स बैक्टीरिया है। और आप इसको कौन से मटीरियल, कौन से सिलेक्टिव मीडिया में कल्चर कर सकते हैं? आप इसे डीसीए, डी ऑक्सीकोलेट सिट्रेट एगर और साल्मोनेला शिगेला एगर पे कल्चर कर सकते हैं। साल्मोनेला शिगेला एगर पे अगर आप साल्मोनेला को कल्चर करते हैं तो उसकी होती हैं जेट ब्लैक कलर की कॉलोनीज, और अगर आप शिगेला को कल्चर करते हैं तो उसकी होगी पेल कलर्ड कॉलोनीज। ये हमारे पास कॉज करते हैं बेसिलरी डायसेंट्री। मेरा डायसेंट्री का मतलब होता है ब्लडी डायरिया, और बेसिलरी का मतलब है कि ये हमारे पास एक ब्रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो ये हमारे पास ब्लडी डायरिया कॉज कर सकते हैं। मोस्टली ये बच्चों में इन्फेक्शन कॉज करता है 1 to 10 ईयर ओल्ड में, और ये हमारे पास इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ इन्फेंट डायरिया एंड मोर्टेलिटी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो हमारे पास डेवलप्ड वर्ल्ड है, फॉर एग्जाम्पल US है, UK है, कैनेडा है, वहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो होती है शिगेला सोनियाई, उसकी वजह से होता है। और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, पाकिस्तान, इंडिया, इसमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमन कल्प्रिट है वो होता है शिगेला फ्लेक्सनरी। बेटा जैसे हमने डिस्कस किया कि साल्मोनेला की इन्फेक्शन के लिए हाई इन्फेक्शन डोज रिक्वायर होती है, उसका क्या मतलब था बेटा, कोई बता सकते हैं? किसका? साल्मोनेला में हमने पढ़ा था कि उसकी इन्फेक्शन के लिए हाई इन्फेक्शियस डोज रिक्वायर्ड होती है, उससे क्या मतलब है? सर बहुत ज्यादा सारे बैक्टीरिया आएंगे तो इन्फेक्शन होगा। जी सर, ज्यादा सारे बैक्टीरिया आएंगे तो इन्फेक्शन होगा। हाँ, ये आपने आधा ठीक बताया। हाई इन्फेक्शन डोज का मतलब यह है कि ये बैक्टीरिया एसिड सेंसिटिव है, सो इन ऑर्डर फॉर दिस बैक्टीरिया टू कॉज इन्फेक्शन यू नीड अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसलिए हम साल्मोनेला को एसिड सेंसिटिव कहते हैं, उसकी हाई इन्फेक्शन डोज रिक्वायर होती है। बेटा जो हमारे पास शिगेला है वो हाईली एसिड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, और उसकी लो इन्फेक्शन डोज भी काफ़ी होती है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। मतलब अगर सिर्फ 10 बैक्टीरिया की आपके स्टमक में एंट्री हुई है तो वो 10 बैक्टीरिया गैस्ट्रिक एसिड को पास करके इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो साल्मोनेला के लिए आपको हाई इन्फेक्शन डोज रिक्वायर्ड है, और शिगेला की इन्फेक्शन के लिए आपको लो इन्फेक्शन डोज रिक्वायर्ड होती है। ह्यूमंस इन शिगेला के ओनली रिजर्वायर हैं, इनका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर 7 दिन तक हो सकता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को पहले फीवर होगा, नौजिया, वॉमिटिंग और वाटरी डायरिया होगा, और फिर कुछ दिनों के बाद वाटरी डायरिया चेंज हो जाता है ब्लडी डायरिया में या डायसेंट्री में। इनकी ट्रांसमिशन कैसे होगी बेटा? इनकी ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड या वाटर या फिर फीकल ओरल रूट्स इनकी ट्रांसमिशन होती है। फीकल ओरल रूट में जो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो हैं फिंगर हैं, फ्लाइज हैं, फूड और फीसिस हैं। फीसिस में बैक्टीरिया हमारे पास आएगा ह्यूमन बॉडी से, और फिर फूड फ्लाइज के थ्रू या फिंगर्स के थ्रू फूड में ट्रांसमिट हो सकता है, फिर वहाँ से जब वो फूड को कंज्यूम करेगा तो उसमें ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो सकती है। इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? इनकी ट्रांसमिशन हो सकती होती है फीकल ओरल रूट से। इनके रिजर्वायर कौन है? इनके रिजर्वायर है हमारे पास ह्यूमंस। शिगेला की बात हो रही है, विरुलेंस सेक्टर्स की बात करें बेटा, तो साल्मोनेला और शिगेला के विरुलेंस सेक्टर्स काफ़ी हद तक मिलते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया हमारे पास हाईली इन्वेसिव हैं। ये दोनों बैक्टीरिया हमारे पास सेल के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पास साल्मोनेला है वो प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन। बेटा आपको पता है कि जो एंडोटॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया रिलीज नहीं करता, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ ही अटैच रहता है। जो हमारे पास शिगेला है ये प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन, जिसे हम कहते हैं शिका टॉक्सिन। मतलब ये बैक्टीरिया इस टॉक्सिन को रिलीज कर सकता है, और फिर ये टॉक्सिन डिस्टेंट एरियाज में जाके एक्ट कर सकता है। तो विरुलेंस फैक्टर्स क्या है? ये बैक्टीरिया हाईली इन्वेसिव है, एंड आफ्टर इन्वेडिंग द सेल इट हैज द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल, और उसके अलावा ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं शिका टॉक्सिन। पैथोजेनेसिस की बात करें बेटा, तो सबसे पहले आपको पता है कि फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिशन होगी, बैक्टीरिया स्टमक में से पास करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइनल एरिया में आएगा, और वहाँ पर जाकर म्यूकोसल एपिथेलियम के साथ अटैच हो जाएगा। वहाँ से बैक्टीरिया की एंडोसाइटोसिस होगी। एंडोसाइटोसिस होने के बाद बैक्टीरिया लेटरली स्प्रेड करेगा टू द एडजेसेंट सेल्स, और फिर लैमिना प्रोप्रिया बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है।
जब हमारे पास बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में होगा वहां पे प्रोड्यूस करेगा शिगर टॉक्सिन। शिगर टॉक्सिन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, और हमारे पास सुपरफिशियल अल्सर्स बन सकते हैं, और साथ में हमारे पास जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया होगा। लेकिन बेटा जो हमारे पास गेला है ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल को इतना इनवेट नहीं करता, ना ही ये बैक्टीरिया कॉज करता है। इट रियली कॉज बैक्टीरिया एंड सेप्सिस, ये सिर्फ ब्लड डायरिया कॉज करते हैं, उसके अलावा हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है हम वो स्लाइड में दोबारा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया आएगा माउथ फिकल ओरल रूट के थ्रू बॉडी में एंटर होगा, और टर्मिनल एरिया में जब पहुंचेगा वहां पे एम सेल्स के साथ अटैच होगा, और फिर एंडोसाइटोसिस के थ्रू एम सेल्स के अंदर एंटर होगा। एम सेल्स के अंदर जब वो एंटर होगा फिर मैक्रोफेजेस आएंगे और वो बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेंगे। जब हमारे पास मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को इंगल्फ करेंगे तो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं IL-1/6 और TNF-alpha। जो हमारे पास IL-1 है वो न्यूट्रोफिल्स को अटैक करता है टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन दिस केस दैट इज द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स जाएंगे टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन जब हमारे पास न्यूट्रोफिल्स इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में आगे से गुजरेंगे तो देखिए यहाँ पे जो सेल के दरमियान जो यहाँ पे टाइट जंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, कि वहां से न्यूट्रोफिल से पास करना है। जब तो हमारे पास शिकेला यहाँ पे माइग्रेट करेगा, फिर जो हमारे पास डिसरप्टेड टायर्ड जंक्शन है शिकेला उनके थ्रू माइग्रेट करेगा और नेबरिंग सेल्स में एंटर होगा, उनके अंदर मल्टीप्लाई करेगा और सेल के अंदर इस तरह से स्प्रेड करता रहेगा। और फिर जब हमारे पास सेल के अंदर बैक्टीरिया के इनफ नंबर हो जाएंगे तब बैक्टीरिया पर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कहते हैं शिगर टॉक्सिन। शिगर टॉक्सिन फिर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, और उसकी वजह से हमारे पास सुपरफिशियल अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं, हेमरेज, नेक्रोसिस और इस्कीमिया डेवलप हो सकते हैं, और हमारे पास ब्लडी डायरिया डेवलप हो सकते हैं। बड़े यहाँ तक सबको समझ आई है? यस यस सर। यहाँ भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अर्ली स्टेज में हमारे पास क्या होता है, अर्ली स्टेज में पेशेंट को सिर्फ फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग और वाटरी डायरिया होता है। वाटरी डायरिया इसमें होता है कि अभी से बैक्टीरिया सिर्फ शिगर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, और शिगर टॉक्सिन में भी सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया है। अभी सेल डेथ नहीं हुई, अभी नेक्रोसिस, इस्कीमिया, हेमरेज नहीं हुए, इसलिए इनिशियली सिर्फ वाटरी डायरिया होता है। सेकेंड स्टेज में फिर हमारे पास शिगर टॉक्सिन और बैक्टीरिया की इनवेसिवनेस की वजह से हमारे पास नेक्रोसिस होगा, जिसकी वजह से इस्कीमिया और हेमरेज होगा, और उसकी वजह से हमारे पास ब्लडी डायरिया होगा। उसके अलावा इन्फेक्शन में तो हमारे पास फीवर भी होता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इनिशियली फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, और डायरिया फिर चेंज हो जाएगा डायसेंट्री में, और उसके अलावा अल्सरेशन भी हो सकती है। और कॉम्प्लिकेशन क्या है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। बेटा हमने एक जगह पहले भी पढ़ा है HUS, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या होता है ये? एक्यूट किडनी फेलियर होता है इसमें, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हीमोलिटिक एनीमिया। बिना थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं, आपकी आवाज कम आ रही है। एक्यूट किडनी फेलियर होता है इसमें और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, वेरी गुड। और ये होता किस वजह से है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है शिगेला के अलावा? एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई, और उसमें आते हैं O157H7 स्ट्रेन मोस्ट कॉमन कॉज है। बेटा ये बैक्टीरिया हमारे पास हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन होगी पेशेंट को, एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, और इसमें बेसिकली जो कॉज होगी वो शिगेला का शिगर टॉक्सिन कॉज होगी। वहाँ पे कॉज थी एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई का शिगेलाइट टॉक्सिन था, एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई प्रोड्यूस कर रहा था शिगेलाइट टॉक्सिन, उसकी वजह से हो रहा था HUS। यहाँ पे शिगेला बैक्टीरिया है और वो शिगर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसकी वजह से हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो रहा है। तो आप डायसेंट्री को डायग्नोस कैसे करेंगे बेटा, आप अगर अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव डॉट्स होंगे, नॉन मोटाइल हैं, नॉन H2S प्रोड्यूसर है, नॉन इनकैप्सुलेटेड है, आप इन्हें कल्चर कर सकते हैं मेकोंकी एंकर पे, मेकोंकी एंकर पे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज होंगी। उसके अलावा एनरिचमेंट बोथ की, ब्रोथ की बात करें तो आप इन्हें सेलिनाइट एफ एगर, DCA एगर और साल्मोनेला शिगेला एगर पर कल्चर कर सकते हैं। DCA एगर और साल्मोनेला शिगेला एगर और सेलिनाइट एफ ब्रोथ, इसका एनरिचमेंट ब्रोथ है, उसके ऊपर इन्हें कल्चर कर सकते हैं। अगर आप बायोकेमिकल टेस्ट मतलब ट्रिपल शुगर
TSI अगर या फिर ट्रिपल शुगर आयरन अगर की बात करें तो आपको पता है कि ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे लेकिन लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे। जब लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे तो ऊपर रेड कलर आ जाएगा, नीचे येलो कलर आ जाएगा, और ये हमारे पास शिगेला है। जो हमारे पास सालमोनेला है वो हमारे पास नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, तो ऊपर रेड है नीचे येलो है, लेकिन जो सालमोनेला है और प्रोटोस है वो मिथाइल है और H2S प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है। और जो इकोलाई है वो आपको पता है कि लैक्टोज को फर्मेंट भी करेगा, ग्लूकोज को फर्मेंट भी करेगा, जिसकी वजह से नीचे भी येलो कलर है और ऊपर भी येलो कलर है। मेरे सब कुछ TSI एगर की इंटरप्रिटेशन समझ आ गई। मैं सबसे पूछता हूँ आगे में, मेरे सब कुछ समझ आ रही है TSI एगर की, ट्रिपल शुगर आयरन एगर की? चलिए कंटिन्यू करते हैं। कैटालेज हमारे पास, जो हमारे पास शिगेला है वो कैटालेज पॉजिटिव है, एक्सेप्ट शिगेला डिसेंट्री टाइप 1। उसके अलावा ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि H2S नेगेटिव है, सिट्रेट नेगेटिव है, UDH नेगेटिव है। उसके अलावा आपने रिस्टोरोलॉजी में स्लाइड एग्जुटिनेशन यूजिंग पॉलीवेलेंट और मोनोवेलेंट सिरप, आप इन्हें पॉलीवेलेंट और मोनोवेलेंट सिरप के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो इतना कॉमनली यूज टेक्निक नहीं है। आप मोस्टली इसके शिगेला टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करते हो फेसिस में, या फिर बैक्टीरिया को कल्चर करते हो। यहाँ पर बेटा हमने शिगेला कवर कर लिया और विब्रियो हम कल शुरू करेंगे। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा सबको क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। रेने साहब की जूम से हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। Love is all. Love is all. Love is all.